ऑल वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज रूपांजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी टॉप 5 फाउंडेशन फॉर फेस्टिव एंड मेकअप लुक। 5 ऐसे फाउंडेशन जो कि आप आने वाले फेस्टिव सीजन में इजीली कैरी कर सकते हैं, उनको पर्सनली यूज़ करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक फाउंडेशन है इनसाइट फाउंडेशन, जिसका प्राइस इज़ 230 रुपीज़ एंड जिसका वेट इज़ 20 ml, और इसमें आपको आपकी स्किन टोन के हिसाब से शेड्स मिल जाएंगे। इतनी स्मूथ टेक्सचर वाला ये फाउंडेशन है, इजीली ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही हाई कवरेज देता है, मैट फिनिश देता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो वाटर प्रूफ फॉर्मूला है, और मैं इसका स्वेच भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी केकी नहीं होगा और सुपर ब्लेंडेबल है, सुपर ब्लेंडेबल। ये था हमारा फर्स्ट फाउंडेशन है नार्स फाउंडेशन, जिसका वेट इज 30 ml। इसका जो शेड है वो लाइट वन गोबी है, जो मेरा शेड है, और ये वेटलेस फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है और बहुत ही सुपर ब्लेंडेबल है। सुंदर सा बॉटल है इसका, और ये पम्प फॉर्म में है, दिस इज इन द पम्प फॉर्म। और मैं इसका स्वेच भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत कम लेना पड़ता है इस फाउंडेशन को। देखिए, मैंने एक ड्रॉप ली है चने के दाने के बराबर, और ये देखिए फाउंडेशन है। ये मेरी स्किन से एक टोन लाइटर है, बिकॉज मैं इसको फेस्टिव और पार्टी मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसको एक टोन लाइटर लिया। आप चाहें तो अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये हमारा सेकेंड फाउंडेशन। थर्ड फाउंडेशन जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो सुपर अफोर्डेबल है, वो है ये फिटमी का फाउंडेशन, मेबिलिन फिटमी फाउंडेशन इन द शेड 118 लाइट बीज, जो कि मेरा शेड है। और इसका वेट इज़ 30 ml, और ये परफेक्ट है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, ब्लेंडेबल है, हर स्किन टाइप पर इजीली जाता है, ये सुपर ब्लेंडेबल। और मैं बोलूँगी इसका बॉटल है क्यूट सा, इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपनी स्किन टोन के, जिनका कलर मेरे जैसा है वो जो मैं शेड्स बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और जिनका कलर मुझसे लाइट या मुझसे थोड़ा सा डार्क है वो अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग स्टोर पर जाकर ले सकते हैं। और इसके इसका बॉटल भी पंप फॉर्म में है, ये मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है मैंने इसको। ये भी हमने देखिए बहुत ज़रा सा लिया है, ये देखिए सुपर ब्लेंडेबल है, सुपर। ये तब ऐसे ब्लेंड हो रहा है जब मैंने इसको नीचे कोई भी प्राइमर यूज़ नहीं किया है। और फाउंडेशन लगाने से पहले हमेशा हमको प्राइमर यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं वो बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो हमारा फाउंडेशन, और हमारा मेकअप बिल्कुल भी किकी ना लगे। प्राइमर लगाने से क्या होता है, जो हमारे पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, तो जो पैचीनेस आ जाती है हमारे फाउंडेशन में जनरली आप लोगों ने देखा है, वो नहीं आएगी। सो इस वीडियो में, इस रेंज में आगे हमारा थर्ड फाउंडेशन है, ये शुगर का फाउंडेशन। इसका रिव्यू मैं आपको पहले दे चुकी हूँ और एक बार फिर दे रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है, ये स्टिक फॉर्म में है। बाकी जो अभी तक मैंने फाउंडेशन आपको बताए थे उनमें से एक ट्यूब फॉर्म में था, दो पंप फॉर्म में थे, ये स्टिक फॉर्म में है, सॉरी, ये फाउंडेशन स्टिक फॉर्म में है। और बहुत सुंदर सा इसका स्टिक है, इसके पीछे आपको एक ब्रश मिलता है जिससे आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं। और मेरा जो शेड है इसमें वो 17 RAF है, इसका 12 ग्राम है। मैं इसका आपको वो दिखा देती हूँ, यहाँ पे स्वच, और ये देखिए। मैं फिर बोल रही हूँ, जिनका स्किन टोन मेरे जैसा है या मुझसे थोड़ा बहुत 19-20 है, वो मेरे शेड्स को परचेज कर सकते हैं, और जिनका स्किन टोन मुझसे लाइट है या मुझसे डार्क है वो स्टोर पर जाके अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो फाउंडेशन है वो ये स्विस ब्यूटी का मूस फाउंडेशन है। क्योंकि ये एक मूस फाउंडेशन है, तो इसके पहले आपको कोई भी स्किन प्रेपिंग या प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो मेरा शेड है वो 03 नेचुरल बीज है, और इसका वेट इज़ 40 ml। ये भी बहुत, ये मैं बोलूँगी ये जो फाउंडेशन है वो ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए है, जिनकी स्किन ड्राई होती है वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरी इस
इसका मैं आपको स्वेच दिखा देती हूँ, कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल ज़रा सा लिया है और बिल्कुल देखिए बिल्कुल बटर की तरह ना, बिल्कुल बटर की तरह ब्लेंड हो जाएगा ये। ये जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देगा, बट हाँ जिनको अफोर्डेबल कम रेंज वाला फाउंडेशन चाहिए लाइक तो वो इसके साथ जा सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।